एक कमल का जो फूल होता है ना, ये चंद्र होता है। तो जा करके जब उसमें होता तो घोड़ा उसको रसास्वादन के लिए उसमें चला जाता है। एक घोड़ा रसास्वादन के लिए उसमें जाता है और क्या विचार करता है, रात्रि चली जाएगी, प्रातःकाल हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, सचंद होकर के भाग जुड़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि एक मनमस्त हाथी आता है और उस कमल के फूल को खा लिया। अर्थात वो घोड़ा बेचारा सोचता ही रह गया, विचार करता ही रह गया। उसी प्रकार से आज हम मानव की स्थिति भी ये, हम ये विचार करते हैं कि जब हम समय आएगा तो हम कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। कार्य करे सो आज करे, जो तुमने कल करना है उसको आज ही कर डालिए और जो आज करना है उसको अभी कर डालिए। इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो गर्व प्राण ही कार्य है, भगवान ने कहा है क्या क्या तम मैं तम सर्व नहीं कर, ये करो मैंने सब जो और जो किया है वो आपको 16 अध्याय के अंतर्गत सब कुछ बता दिया है। मरण पिंड इत्यादि जो भी इसके संसार इत्यादि जो भी आते हैं, अंत्येष्ट कर्म जो भी आता है, वो सब मैंने आपको बताया है कि दशा आध्यात्म सुधा सर्व पापा प्रमुख का है। जो इस व्यक्ति के अंदर सब पापों से मुक्त हो जाते हैं तो पितरों की आवश्यक कर्म युक्ति पुत्र की कामना कहने वाला पर लोग और श्लोक में सुधाई होता है। जीव संसार के अंदर जन्म लेता है उसकी मौत निश्चित कर दी जाती है, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं जाने जाने के अंदर बड़ा अंतर होता है। कई लोग संसार से ऐसे कर्म करके चले जाते हैं कि उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। कई लोग संसार से ऐसे भी चले जाते हैं जिनको कांटा भी नसीब नहीं होता, लेकिन जिस दिवंगत आत्मा को हम लोग श्रद्धा समर्पित करने के लिए आए हैं, धार्मिक विचारों वाली वह पुण्य आत्मा थी, सारा जीवन नेक कर्मों के अंदर करते हुए उन्होंने व्यतीत किया, बच्चों को नेक संस्कार दिए, अच्छे परिवारों के अंदर बेटियों का विवाह, नेक परिवारों की पुत्र वधुओं को घर के अंदर लेकर दिया है। बाकी शरीर के द्वारा थोड़ा कष्ट होगा, ये तो कर्मों का खेल है कि हर जीव को कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। आज उनके चले जाने के बाद पूरे दीवान परिवार के अंदर दुख का माहौल है। पति के लिए पत्नी का चले जाना, बच्चों के लिए माँ का चले जाना, जितना जितना संबंध है उतना उतना दुख है आज सभी को, क्योंकि जिस तन लागे सो ही तन जाने, कौन जाने किसी की पीठ पर, जिसका कोई जाता है उसे दुख जरूर होता है, जिसको दुख होता है उसको रोना अवश्य लेना होता है, क्योंकि माँ का एक रिश्ता ही ऐसा रिश्ता है। शास्त्र ने तो यहाँ तक लिख दिया जब मां जहां पुरे
उसकी गोद में है और जहां भी जाएगा भगवान पिता की याद को उनको बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। कहने में क्या लिखते हैं, जाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या कौन सी योगी में जाएंगे। भगवान कहता मैंने अपने बच्चों को गलत योगी में नहीं भेजना, वो भी मेरे ही बच्चे हैं जानवर भी, पर मनुष्य आत्मा का बीज मनुष्य का ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर उसके कर्म ठीक नहीं है तो वो जानवर जैसे भोगना मनुष्य चोले में भोगेगा, जानवर के शरीर में जाके सजा नहीं भोगेगा, मनुष्य मनुष्य के चोले में, जानवर जैसी योनियां प्रैक्टिकल में भोग रहे हैं। हम देख रहे हैं एक छोटा बच्चा हॉस्पिटल में हुआ, हार्ट में छेद है, दिमाग में कुछ हुआ, आप मिलने जाएंगे क्या क्या दिए, बेचारा कुछ ले लेते हैं क्या, 84 लाख योनि भोगने के बाद भगवान ने उसको माफ नहीं किया होगा, 84 लाख होने के बाद मनुष्य चोला फिर कौन सा। तो कर्म हर बात साथ साथ जाता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों का बैलेंस किया जाता है, उसके हिसाब से आत्मा जन्म लेती है। लेकिन हमारी गणेश माता जी हर पल हर घड़ी उस प्रभु की याद में भजन गाते हुए ओम शांति का मंत्र लेते हुए उस पिता परमात्मा की आज्ञा फरमान जो उनके ईश्वरीय महावाक्य होते हैं आश्रम पर नहीं आते थे, लेकिन आजकल 300 मिनट पर हमारा 24 घंटे प्रोग्राम चलता है। जब भी जाओ घर पर क्या कर रहे हैं माता जी, 300 मिनट चलता है और कोई चैनल नहीं प्रभु की याद। तो ऐसी तपस्या ऐसे नहीं कि उन्होंने बच्चों की पालना नहीं की, बच्चों की हर प्रकार से पालना करके बड़े करके उनको स्टैंड करके छोटे बड़े सब बच्चों को इतने प्यार से पाला। मात्र कुछ लोग समझते हैं प्रभु में जुड़ जाएंगे तो उनको परिवार का क्या होगा, परिवार का अच्छा बना, प्रभु जुड़ी भी थी परिवार में किसी चीज की कमी है, उसे प्रभु को भी नहीं छोड़ा, परिवार को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बच्चों के साथ में थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है जैसे देखते हैं, लेकिन उसने ओम शांति के मंत्र से और मेरा आशीर्वाद उस बात को दिल से निकाला। हमने उनका जीवन देखा, बड़ा इनोसेंट था, वो झूठ चलाकी चतुराई उनके जीवन में बिल्कुल नहीं थे, पर इतनी भोली माता इतनी इनोसेंट माता ने एक बहुत बड़ा ऊंचा कार्य किया जो स्वर्ग में कोई नहीं जानता कि वो जो एक पिता परमात्मा है वो कौन है। उसके पूर्वक रहे हैं अभी राजकुमार महाराज जी के साथ तो शिव बाबा तो है ही, इनके दिल में इनके दिमाग में इनकी स्मृति में बाबा ही बाबा है, जैसे उनके जीवन में बच्चियाँ भी बड़ी अच्छी हैं वो भी बाबा बाबा करते हैं, भाई के बीच बीच में आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते हैं कभी कभी आते हैं। तो बाबा का संदेश उस निराकार परमात्मा का संदेश हर बच्चे के अंदर होने ॐ विष्णवे नमः वरदाय नमः। क्या करना, जिस प्रकार से एक घोड़ा होता है, घोड़ा क्या करता है,
एक कमल का जो फूल होता है ना, ये चंद्र होता है। तो जा करके जब उसमें होता है तो घोड़ा उसको रसास्वादन के लिए उसमें चला जाता है। एक घोड़ा रसास्वादन के लिए उसमें जाता है और क्या विचार करता है, रात्रि चली जाएगी, प्रातःकाल हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, सचंद होकर के भाग जुड़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि इतने एक मनमस्त हाथी आता है और उस कमल के फूल को खा ले। अर्थात वो घोड़ा बेचारा सोचता ही रह गया, विचार करता ही रह गया। उसी प्रकार से आज हम मानव की स्थिति भी ये, हम ये विचार करते हैं कि जब अंत समय आएगा तो हम कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। कार्य करे सो आज करे, जो तुमने कल करना है उसको आज ही करना है और जो आज करना है उसको अभी कर। इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो गर्व प्राण ही कार्य है, भगवान ने कहा है क्या क्या कम आता कम सर्व गोदी कम, ये करो मैंने सब जो और की जो क्रियाएं हैं वो आपको 16 अध्याय के अंतर्गत सब कुछ बता दिया है। मरण पिंड इत्यादि जो भी इसके संसार इत्यादि जो भी आते हैं, अंत्येष्टि कर्म जो भी आता है, वो सब मैंने आपको बताया है कि दसों आध्यात्मिक सर्व पापों से मुक्ति का है। जो इस वस्तु के अंदर सब पापों से मुक्त हो जाते हैं तो पितरों के आमसिक कर्म युक्ति पुत्र की कामना कहने वाला पर लोक और श्लोक में सुदाय होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं पुत्रों की प्राप्ति के लिए, ये पुत्र का जो कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिताओं की अंत्येष्टि कर्म करना, उनके प्रति जो हमारे ये संस्कार है ये करना, ये पुत्र का कर्तव्य होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इसका नाम पुत्र रखा है। ये नरक से क्या करते हैं अपने पितरों को स्वर्ग लोक पहुंचा देते हैं, इसीलिए इसका नाम वही पहुंचता है। इसके प्रकार जो कर्तव्य है वो अवश्य करना चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता को इस प्रकार से अंत्येष्टि कर्म करता हो, उनके निर्दिष्ट कर्म करता हो, तो कहते उसके ये तो क्या इसका जीवन भी क्या है। जो अपने पुत्र के ऐसा करता हो इस प्रकार से, जो अपने माता पिता को ऐसा कर्म नहीं करता है कि कल उसके घर का को जल्दी कर्म नहीं करना चाहिए। इतना अमृत समय बन जाता है जो अपने माता पिता के लिए इस प्रकार से अंत्येष्टि कर्म को। तो ब्राह्मण का आदेश का शिक्षा के प्रति बेटा दानदान समायोज्य सर्वे क्रिया सके ही, इस प्रकार से ब्राह्मण सत्य वैश्य इत्यादि जो सर्वप्रथम तक से सर्वप्रथम सत्य मिले दिया उसको पुत्र कैसे कहा जाए, वह तीन प्रकार के हृदय के समक्ष हो सकता है। कभी भी तीन प्रकार के ऋण बताए गए, एक तो पुत्र ऋण, ऋषि ऋण और भ्रातृ। इस प्रकार से ऋण से कौन मुक्त हो सकता है, यानी पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है, ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन मातृ ऋण से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। माता ऋण कभी नहीं किया जाता है। एक बार की बात है कि एक के कितने दो बेटे, अब दोनों बेटे कहां थे, आर्मी फौजी। उनमें से जो बड़ा बेटा था वो जब घर आता था तो अपनी माँ से क्या कहता था कि माँ आज तक मैंने जितना भी कमाया है वो मैं सब आपको समर्पण करता हूं। एक बार ऐसा बोलो ना कि बेटा तुम मेरे ऋण से मुक्त हो गया। माँ ने कहा बेटा तेरे को बड़े विचार के ख्याल आ गए, आज तुम्हारे अंदर इतने बड़े ख्याल कहां से आ गए। तो माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, इसका पेपर मैं तुझे साइकिल को बुलवा
माँ ने क्या किया ताकि बेटा आज आपको मेरे साथ शेयर करना होगा, मेरे साथ सुना के ठीक है। माँ और पुत्र एक ही बिस्तर पर सो, माँ ने क्या किया रात में एक लोटा पानी का दिया और बिस्तर में डूब गए। अब उसने ये विचार कि मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, अपने आप खुले में सो रही हूँ और तेरे को सुख में से चला रही हूँ, तो भला माँ का उनके पुत्र कौन हो सकता है। माँ शब्द से कैसा शब्द है, माँ का रूप नहीं किया जा सकता है। पुत्र तो पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी तो माता नहीं हो सकती है, इसलिए मातृगुण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिताओं को मुक्त ये अंतिष्ट कर्म शास्त्र के रूप से करवाना चाहिए। इस सुखा दान के इस प्रकार से करो पाठ करने वाला पाठ करने से पूर्ण लाभ सैया पाठ का जो भी बताया गया है उस साय का सारा सांस्कृतिक विषय करना है और सार में जो वार्षिक प्रावधान को भी करना चाहिए। इसी बात पर मैंने कहा क्यों भाई अगर तुम्हें एक बार खिलाया जाए तो बार बार खाने का आवश्यकता तो नहीं है। तो एक श्राद्ध कर्म पद्धति आती थी बड़ी जिसकी व्याख्या बनी है श्राद्ध से पुत्रों से बनाई। मैंने खुलाया मैंने कहा तो ये क्या लिखा हुआ ऐसा मत विचार करना कि गया जी में गया और श्राद्ध नहीं करना। गया जी में जाने का महत्व इतना जरूर है कि समी पत्र के बराबर जो वहां पर प्रदान करता है उसको और बड़ा पूर्ण की प्राप्ति होती है, इतना तो जरूर कहा गया। लेकिन ऐसे का पुत्रों के लिए धिक्कार बताया गया है तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अपने पुत्र के निमित्त जो तो श्रद्धा हाव निष्ठा से करेंगे अपने भजनों के द्वारा देंगे तो इसलिए आप भी अपनी श्रद्धा पूर्वक से इस कर्म को सहानुभूति लेकर के अपना अपना प्यार लेकर के उस दिवंगत आत्मा के प्रति प्रभु चरणों में प्रार्थना करने के लिए जो पावन पवित्र आत्मा आज से कुछ दिन पूर्व हम सबको सदैव छोड़ा लेकर के परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। परम आदरणीय परम श्रद्धे परम भजनी मातृ स्वरूपा शक्ति स्वरूपा ज्ञान की देवी स्वर्गीय श्रीमती नरेश रानी जी दीवान जिनका सुंदर चित्र आज इस मंच के ऊपर विराजमान है लेकिन केवल मन को दिलासा देने के लिए। जीव संसार के अंदर जन्म लेता है उसकी मौत निश्चित कर दी जाती है
लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं जाने जाने के अंदर बड़ा अंतर होता है। कई लोग संसार से ऐसे कर्म करके चले जाते हैं कि उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। कई लोग संसार से ऐसे भी चले जाते हैं जिनको कांदा भी नसीब नहीं होता। लेकिन जिस दिवंगत आत्मा को हम लोग श्रद्धा समर्पित अर्पित करने के लिए आए हैं, धार्मिक विचारों वाली में पुण्य आत्मा थी, सारा जीवन नीव कर्मों के अंदर करते हुए उन्होंने व्यतीत किया, बच्चों को नीव संस्कार दिए, अच्छे परिवारों के अंदर बेटियों का विवाह, नीव परिवारों की पुत्र वधुओं को घर के अंदर लेकर दिया। बाकी ठीक है कि शरीर के द्वारा थोड़ा कष्ट होगा, ये तो कर्मों का खेल है कि हर जीव को कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। आज उनके चले जाने के बाद पूरे दीवान परिवार के अंदर दुख का माहौल है। पति के लिए पत्नी का चले जाना, बच्चों के लिए माँ का चले जाना, जितना जितना संबंध है उतना उतना दुख है आज सभी को, क्योंकि जिस तन लागे सो ही तन जाने, कौन जाने किसी की पीठ पर, जिसका कोई जाता है उसे दुख जरूर होता है, जिसको दुख होता है उसको रोना अवश्य नहीं होता, क्योंकि माँ का एक रिश्ता ही ऐसा रिश्ता है। शास्त्र ने तो यहाँ तक लिख दिया कि माँ मरे नक से भी जग बिचलो को सुखाते सुनाने के बाद ममता दम नहीं पावे, तेरा बच्चिया को जिंदा लुटाउनिया ने, पता उस वेले लगदा लोगों जदों मां जहानपुर जानियाने, जहानपुर जानियाने। आज इस पूरे परिवार में लोग समाज में चले जाने की कमी है, शत कम पड़ जाएंगे लेकिन परिवार का दुख कम नहीं हो सकता। आज सारा परिवार उस माँ की तस्वीर को देख करके यही कह रहा है, तुम कहाँ चली गई हो, परिवार तुम्हें बुलाए, जग से गई जहाँ से माँ को हो
इंसान जो संसार आकर कहीं जन्म लेता है तो पहला शब्द अपने मन से मां शब्द बोलना है। बचपन बनकर चलना सिखाया, लाना सिखाया, बोलना सिखाया, गाने सिखाया, जन्म दिया, मान दिया, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। आज यहाँ पर बैठे हैं उनके आशीर्वाद का द्वारा यही मां
वर्ष से पूर्व जुड़े हुए थे, थोड़ा दूरी होने के कारण कभी कभी आते थे, कभी डेली आते थे, और जब भी उन्होंने आना उनके जीवन में जो पढ़ा वो जागृति रूप से पूर्ण रूप से जो भी बात पूछनी उन्होंने और कोई चर्चा नहीं करनी। एक बाबा दूसरा नाता गीत बड़े प्यार से गाते थे, एक बार सीख लिया सब जगह पर करती थी ये गीत गाऊंगा, और उसी गीत के साथ ही उन्होंने अपना लास्ट अंतिम श्वास छोड़ा है। मेरा तो एक शिकारा दूसरा ना कोई, जैसे कि सोचना नहीं है तबीयत खराब हुई, पर बाबा शब्द अंत तक उनके मुख से निकलता रहा। अब वो बाबा कौन है उसको उसने अच्छे तरह से पहचाना, जैसे पंडित जी सुना रहे थे ये शरीर नाशवान है परंतु इसको चलाने वाली चेतन शक्ति हम सब आत्माएं बैठे हैं, वो निकल गई तो शरीर कुछ भी नहीं करता। उन्होंने जाकर ये पाठ पक्का करा दिया है, आत्मा निकल गई शरीर यहाँ पर ही है, किसी काम का नहीं है। तो हम भी जब तक आत्मा है तब तक हमारे जीवन का मूल्य है। तो जैसे शरीर के माँ बाप हैं, आत्मा के भी माता पिता हैं, जिसको वो हर जन्म में बड़े प्यार से याद करते हैं और उसको वो बाबा कहते हैं। बाबा का हम सभी कहते हैं परमात्मा एक है, एक वो है जो सभी धर्म पिताओं के भी पिता, देव आत्माओं के भी पिता और सब मनुष्य आत्माओं के भी पिता, यहाँ तक कि जो जानवर है वो भी उसी को याद करते हैं। जानवर में भगवान है लेकिन जानवरों के दिल में भी उस प्रभु का नाम है। जब भी कोई कुछ आपत्ति आती है अचानक मुख से निकलता है हाय राम, वो राम कौन है? वो श्री रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं आती है, वो ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप की याद आती है जिसको श्री रामचंद्र जी ने भी याद किया, और शंकर महादेव जी की मूर्ति भी जब याद आती है वो भी उस निराकार ज्योतिर्लिंग शिव को जिसे सदाशिव कहते हैं। मंदिरों में भी बना होता है किसी के नाम के आगे सदा शब्द नहीं आता, क्योंकि जो नाम माता पिता रखते हैं शरीर पर वो शरीर के साथ खत्म हो जाता है, फिर दूसरा नाम आता है। लेकिन परम आत्मा वो है जो जन्म के चक्कर से मुक्त है, जिसका अपना शरीर नहीं है पर उनका नाम स्वामी शिव है। स्वामी सदा ही उनका नाम शिव है, सदा शिव सत्यम शिवम सुंदरम ज्योतिर्लिंग, जिसकी आराधना सब धर्म पिताओं में एक ज्योत रूप में जाती है। देवी देवताओं के मंदिर में परिषित है लेकिन सब मंदिर में वो ज्योतिर्लिंग शिव अवश्य पाया जाता है, क्योंकि देवताएं भी उन्हीं को नमस्कार करते हैं। तो जो देवों के भी देव धर्म पिताओं के भी पिता है वो जन्म के जो चक्र से न्यारा परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, सदा शिव है, वो उनकी याद में खोल करते थे। और क्या समझ गए, ये देह तो नाशवान है, मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा उस सर्वशक्तिमान सत्ता की संतान हूँ जो सदा शिव सदा ज्ञान के साथ शांति के साथ प्रेम के साथ आनंद के साथ, वो इसी स्मृति में सदा सुबह से लेकर सारे कार्य में बात करते थे। पर मेरा बाबा ज्ञान का साधा, मेरा बाबा प्रेम का साधा, मेरा बाबा शांति का साधा, मुझे शांत रूप रहना है, मेरे बाबा क्रोध नहीं करते, मैं शांत सुन पाता हूँ। इसी पाठ को ओम शांति के पाठ को और शिव बाबा कहते हुए उन्होंने इस पुराने चोले को छोड़ा, तो आत्मा कहाँ जाएगी? जिसको याद करनी थी उसी की शरण में उसी की गोद में पहुंच गए, और जिसने आधे से ज्यादा जीवन उसी की याद में बिताया, सेवा इतनी
बड़े प्यार से करती थी। हमें पता लगा उनके हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम थी, चमड़ी के कारण। उन्होंने स्पेशल पहन के ग्लोव पहन के फिर भी बर्तन साफ करती थी। हम कहते थे माता जी नहीं करो, आपके हाथ खराब है। नहीं नहीं, ये सेवा थोड़ी मिलती है, अभी करनी है, अभी करनी है, ये बर्तन आप नहीं करने, मैंने ही करना है। इतना प्यार से हर सेवा बड़े प्यार से उस निराकार परमात्मा शिव की याद में रहते उस सर्व संबंधों का अनुभव, हर रिलेशन का अनुभव उन्होंने अपने जीवन में उसके साथ जोड़ा हुआ था और उसी के साथ सारा दिन बिताते थे। कई बार हम कहते थे मकान बहुत एक कोने से गए हैं, हम कहते हैं सारा दिन कैसे रहते हैं, ये तो शिव बाबा आस पास रहता है, मैं अकेली नहीं हूँ। जब भी मिलो उनके मुख पर जवान पर मेरा बाबा शिव बाबा ये हमेशा रहता था। तो इतना वो प्यार से हमारी संस्था में भी सेवा करती रही और सेवा भी करती रही, उस निराकार परमात्मा से जुड़ करके भी रही और अनेकों को भी उस पिता परमात्मा का गीत के द्वारा या बोल के भी जो भी घर में आना उसको परिचय जरूर देना। तो ये दिन और रात उन्होंने 30 वर्ष में समझते हैं अपने किसी स्मृति में बिताए, तो भला भगवान उसको इधर उधर कैसे डाला है, वो तो उसकी शरण में है, उसकी गोद में है और जहाँ भी जाएगा भगवान पिता की याद में उनको बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। कहने में क्या लेते हैं, जाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या कौन सी योगी में जाएंगे। भगवान कहता मैंने अपने बच्चों को गलत योगी में नहीं भेजना, वो भी मेरे ही बच्चे हैं जानवर भी, पर मनुष्य आत्मा का बीज मनुष्य का ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर उसके कर्म ठीक नहीं है तो वो जानवर जैसे भोगना मनुष्य चोले में भोगेगा, जानवर के शरीर में जाके सजा नहीं भोगेगा, मनुष्य मनुष्य के चोले में, जानवर जैसी योनिया प्रैक्टिकल में भोग रहे हैं। हम देख रहे हैं एक छोटा बच्चा हॉस्पिटल में होगा, आठ में छेद है, दिमाग में कुछ नहीं हुआ, आप मिलने जाएंगे क्या क्या किए, बेचारा कुछ नहीं लेके आए, क्या 84 लाख जो ये भोगने के बाद भगवान ने उसको माफ नहीं किया होगा, 84 लाख होने के बाद मनुष्य चला गया, फिर कौन सा था। तो कर्म हर हर बात साथ साथ जाता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों का बैलेंस किया जाता है, उसके हिसाब से आत्मा जन्म लेती है। लेकिन हमारी गणेश माता जी हर कल हर घड़ी उस प्रभु याद में भजन गाते हुए ओम शांति का मंत्र लेते हुए उस पिता परमात्मा की आज्ञा फरमान जो उनके ईश्वरीय महावाक्य होते हैं आश्रम पर नहीं आते थे, लेकिन आजकल 30 ऑफ माइंड पर हमारा 24 घंटे प्रोग्राम चलता है। जब भी जाओ घर पर क्या कर रहे हैं माता जी, 30 ऑफ माइंड चलता है और कोई चैनल नहीं प्रभु की याद। तो ऐसी तपस्या ऐसे नहीं कि उन्होंने बच्चों की पालना नहीं की, बच्चों की हर प्रकार से पालना करके बड़े करके उनको स्टैंड करके छोटे बड़े सब बच्चों को इतने प्यार से पाला। बात मत पूछो, लोग समझते हैं प्रभु में जुड़ जाएंगे तो उनको परिवार का क्या होगा, परिवार का अच्छा बना, प्रभु जुड़ी भी थी परिवार में किसी चीज की कमी है, उसे प्रभु को भी नहीं छोड़ा, परिवार को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, घर गृहस्थ में रहते हैं कमल फूल के समान उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बच्चों के साथ में थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है जैसे देखते हैं, लेकिन उसने ओम शांति के मंत्र से और मेरा शिव बाबा कहते हैं उस बात को दिल से निकाला। हमने उनका जीवन देखा, बड़ा इनोसेंट था, वो झूठ चलाकी चतुराई उनके जीवन में बिल्कुल नहीं थी, पर इतनी भोली माता इतनी इनोसेंट माता ने एक बहुत बड़ा ऊंचा कार्य किया जो स्वर्ग में कोई नहीं जानता कि वो जो एक पिता परमात्मा है वो कौन है। सब कहते हैं भगवान एक है, पर वो कौन है वो कोई नहीं जानता। आज मैं पूछ
रहेंगे सभी भगवान। अरे भाई वो तो एक है, फिर सब कहां से होंगे? तो उसने उस एक को पहचान कर एक से संबंध जोड़कर अपनी बुद्धि को एकाग्र करके हमें ये बात बताया कि अंत में वो तभी साथ होगा जब हम कर्म करते हुए उसको अपने साथ रखेंगे। सारी लाइफ जैसे अपने बच्चों को साथ रखते हैं वैसे प्रभु को भी अपने साथ रखेंगे तब अंत मते सुख लगती है। ये ना सोचिए कर्म धंधे खत्म करने के बाद ही हम भगवान को याद करेंगे, तब तो कर ही नहीं सकते। काम धंधे तो कब खत्म होते हैं? जब दांत में मुंह नहीं रहता, दांत नहीं रहते मेरे अंदर का, तो फिर राम शब्द भी नहीं बोला जाता। क्या शब्द बोलता है? लाम राम। तो लाम शब्द में गति नहीं है। वो ये ना सोचे काम धंधे खत्म करते ना जो पूरा याद में रहेगा उसका आत्मा सुख दिया। सो उन्होंने अपना जीवन ऐसे सफल किया, हमें बहुत खुशी है। वो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतना अच्छा विद्यार्थी था, चाहे तबियत के कारण अभी रेगुलर नहीं आ पाते थे पर पीस ऑफ माइंड से वो पूरा जुड़े रहते थे। जब भी फोन करना कोई बात पूछनी उन्होंने परिवार की कोई बात नहीं करनी, अपनी बात करनी। मैंने ऐसे याद किया फिर मेरा ये काम ऐसे पूरा हो गया, मैंने उसको याद किया मेरा मन थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने शिव बाबा को याद किया और बाबा ने मुझे खुशी की झोली भर दी। मैं तो माता जी आपकी झोली बाबा बहुत जल्दी बनता है, तो बनता ही रहता है। तो ऐसा आनंदमय जीवन उन्होंने व्यतीत किया श्री गीत प्यार से करते थे, जिसका संबंध जिसके सर्व संबंध शिव से उसको जीवन आनंद ही आनंद है। तो ये गीत गाते गाते उसने अंतिम श्वास इसी गीत के आधार पर सफल की। हमारे राजकुमार भाई बहन उनके साथ ही आते थे, उनके साथ ही लगते थे और इन्होंने भी दोनों ने मिल करके बच्चे तो फिर कारोबार के हिसाब से जरूरी है जैसा समय है वैसे सेट हो ही जाते हैं, परंतु दोनों ने इसके पूर्वक रहे हैं। अभी भी राजकुमार भाई जी के साथ तो शिव बाबा तो है ही, इनके दिल में इनके दिमाग में इनकी स्मृति में बाबा ही बाबा है, जैसे उनके जीवन में बच्चियाँ भी बड़ी अच्छी हैं वो भी बाबा बाबा करते हैं, भाई के बीच बीच में आते हैं ज़्यादा तो नहीं आते ही कभी कभी आते हैं। तो बाबा का संदेश उस निराकार परमात्मा का संदेश हर बच्चे के अंदर उन्होंने वो शांति आपको कैसे याद करें कैसे याद के ध्यान में जाते हैं उस वक्त यदि आप सबको ध्यान में जो पगड़ी लेकर के आए हैं कृपया मंच के पास आ जाइए, साथ ही साथ में पगड़ी की रस्म होगी, साथ ही साथ में भगवान नाम की आरती की जाएगी। ओम हरि ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। ओम हरि ओम मां विष्णुराय नमसि विष्णु शरभद्रेष्ठं विष्णु सयूरसि विष्णु द्रवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम विष्णवे नमः वरदाय नमः। जय जगदीश हरे